फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोकोपीट के स्थान पे जो हम कुछ सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो भी हमारे प्लेस के हिसाब से वेस्ट निकलते हैं। तो अगर आप साउथ में रहते हैं तो वहाँ आपके यहाँ कोकोपीट बहुत ज़्यादा होगी, अगर आप नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में रहते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें हमारे खेतों से वेस्ट निकलती हैं तो उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है। वो मैंने बिल्कुल यूज़ करके देखे हैं, तभी मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई थी। ये हैं हमारे कोकोपीट के सब्स्टिट्यूट्स, विकल्प कि जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं और हमारी सॉइल भी सॉफ्ट बनेगी और जैसे जैसे वो सॉइल में ऑब्जॉर्ब हो जाएगी चीज़ें और उनका वो खाद के रूप में काम आएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वुड डस्ट, जहाँ पे लकड़ी चीरते हैं, लकड़ी का काम ज़्यादा है वहाँ पे, ये वुड डस्ट बहुत आम मिल जाती है। वैसे भी ये अगर कहीं जगह कम है तो ये 2 रुपये किलो के केजी के हिसाब से मिल जाती है। तो इसे आप अपने सॉइल में मिक्स करें, 20-20 के हिसाब से आप यूज़ करें तो बाद में ये हमारी खाद भी बनेगी। मेरी एक दो वीडियो, जैसे मैंने पोटैटो उगाया, हल्दी उगाई या टर्मिक, तो उसमें आपने देखा होगा, वो आप अगर देखें तो उसमें मैंने स्पेशल सॉयल को दोमट करने के लिए, भुरभुरा करने के लिए मैंने इसको वुड डस्ट को यूज़ किया है। आप थोड़ा सा, ये है कि वुड डस्ट को जैसे हमारी लकड़ी में कीड़ा लग जाता है तो इसके लिए आप थोड़ा सा इस पे नीम की पत्तियाँ बीच में मिक्स कर लें, और अगर आपने स्टोर करके रखना है तो इसमें नीम ऑयल लगा के आप इसको रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जैसे पंजाब में है, मेरे पास गेहूं का छिलका, जिसे हमारे यहाँ तूड़ी बोलते हैं पंजाब में, नॉर्थ साइड में इसकी बहुतात मात्रा होती है हमारे खेतों में, जिसे हम चारे के रूप में पशुओं के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आप इसको सॉयल में मिक्स करते हैं तो आप देखेंगे सॉयल हमारी बहुत ही ज़्यादा हल्की बन गई है। ये एक कोकोपीट का एक दूसरा विकल्प है। ये धान, जहाँ पे इस साइड धान बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे हमारे ये धान का छिलका निकलता है, वो भी अगर हम अपनी सॉइल में डालते हैं तो सॉइल हमारी सॉफ्ट और उपजाऊ बनेगी। तो इसके लिए एक विकल्प ये है कि आप अपना धान के छिलके को यूज़ करें। ये है नीम की निम्बोली, जिसे मैंने बिल्कुल सुखा लिया था, येलो कलर की थी। इसकी नीम की निम्बोली का अगर हम पाउडर बना के अपनी सॉइल में यूज़ करते हैं तो आप ये देखेंगे कि हमारे जो भी प्लांट्स को कोई बीमारी लगती है, कोई कीड़ा वगैरह लगता है, तो ये हमारा एक पेस्टिसाइड का काम करता है। तो ये आप नीम की निम्बोली। और अब हम आते हैं यहाँ पे जो राजस्थान वाले हैं, वहाँ किक्कर बहुत ज़्यादा होते हैं, ओकेशिया जिसकी ये फली है जिसे हम तुक्का बोलते हैं, इसका अगर हम पाउडर बना के अपनी सॉइल में मिक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि सॉइल में जो उपजाऊ शक्ति है वो भी बढ़ी है और साथ में फंगस की, दीमक की शिकायत भी बहुत कम हुई है। ये हमारा एक बहुत अच्छा विकल्प है, नीम की निम्बोली और बबूल की फली। ये सूखे पत्ते हैं, सूखे पत्तों को अगर हम पाउडर बना के यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी सॉइल बिल्कुल बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बन गई है। ये मैं दिखाती हूँ आपको एलोवेरा, एलोवेरा का अगर हम सुखा के पाउडर बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे मेरी एक वीडियो बनी भी हुई है, पाउडर बना के अगर आप सॉइल में मिक्स करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं अगर जेल का, तब भी हमारे बीमारियों से प्लांट्स बचते हैं। अगर आप पाउडर बना के अपने पोट में यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सी बीमारियां हमारे प्लांट्स की ख़त्म हो चुकी हैं और साथ में प्लांट्स की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे अब सर्दी का मौसम आएगा और साथ में फूलों का मौसम, तो आप देखेंगे फूलों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ये बरकैन नीम की ही एक जाति है, बरकैन के बीज हैं ये, इसको इनको अगर हम ड्राई कर लेते हैं तो ऐसे बन जाते हैं, तो इनका अगर पाउडर बना लें तो ये नीम की निम्बोली के बराबर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का काम करता है। ये हमारे पास कोकोपीट, इसको अगर आप छोटा छोटा मोटा मोटा काट लेते हैं तो सॉइल में यूज़ करते हैं तो सॉइल का वेट भी कम होता है और साथ में हमारे उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है।
ये नीम की पत्ती, अगर आप नीम की पत्ती स्पेशल लेके आते हैं तो इससे अच्छी हमारी सॉइल के लिए खुराक कोई भी नहीं है हमारे प्लांट्स के लिए। सॉइल में अगर आप इसको सुखा के पीस के, आप पत्तियों को पीस के आप खाद के रूप में यूज़ करते हैं, एक तो हमारी सॉइल हल्की बनेगी, ये कोकोपीट का एक बहुत अच्छा विकल्प है, दूसरा सब्स्टिट्यूट्स है, और दूसरा ये है कि इससे हमारी जो है फंगस की और दीमक की शिकायत हमारी सारी सॉइल में ही ख़त्म हो जाएगी। अगर हम कंपोस्ट खाद में, काउ डंक में या वर्मी कंपोस्ट में इसको यूज, ये फर्मा अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो इसके वृक्ष में मिल जाएंगे। ये ज़्यादा तटीय इलाकों में होते हैं, कोस्टल एरिया में इनकी बहुत ज़्यादा खेती होती है, और ये सूख के ऐसे बन जाते हैं। अब मैं आपको सुखा के और पाउडर बना के भी दिखा रही हूँ, ये सूखने के बाद ऐसे हो जाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा भी हाथ से भी दबा देते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे पाउडर बन जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा विकल्प है हमारी मिट्टी को हल्का करने का, इसे फरमा कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक शो की तरह हमारे गार्डन में लगे हुए होते हैं, तो आप वहाँ से लेके आए। आप जितने बड़े प्लांट्स के पत्ते लेके आएंगे, बड़े बड़े प्लांट्स हैं ये, आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स के पत्ते हैं, तो उनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी सॉइल को बहुत अच्छी ग्रोथ देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है रूट्स को। तो उससे अगर रूट्स बढ़ेंगी तो नेचुरली बात है कि हमारा प्लांट्स भी बहुत अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी बनेगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इनका आप सुखा के, मैंने तो छाया में सुखाया, अगर आप थोड़ी सी धूप भी लगा लेंगे तब भी कोई बात नहीं, आप इसको सॉइल में मिक्स करें पाउडर करके। अब मैं आप सभी चीज़ों को जो मैंने पाउडर बनाए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप सुखाने के बाद आप जिस भी चीज़ का करेंगे तो ऐसा ये पाउडर बन जाएगा, और उसे आप सॉइल में मिक्स कर दें। जैसे ये नीम की खली है, सूखे पत्तों के का पाउडर है, और एलोवेरा का पाउडर है, और वुड डस्ट ऑलरेडी वैसे ही वो है पाउडर फॉर्म में है, और जो धान का भी पाउडर फॉर्म में ही है, और ये वो तूड़ी गेहूं का, ये तूड़ी, और इनको मैंने सभी को पाउडर बना लिया था। ऐसा ये फर्मा का पाउडर बनेगा, जो मैंने आपको फर्मा दिखाई थी ग्रीन कलर की, और सुखाने के बाद ऐसा पाउडर बनेगा, और ये बहुत ही अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है हमारी सॉइल को हल्का करने का। अब आपको जो भी विकल्प अच्छा, सब्स्टिट्यूट अच्छा लगता है या आपके पास उपलब्ध है, आप वही चीज़ अपने सॉइल में यूज़ कर सकते हैं, ना कि आप ज़रूरी कोकोपीट की ईंट मंगवा कर या ऑनलाइन मंगवाएं, वो भले ज़रूर मंगवाएं, पर अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप इनको यूज़ करके अपनी सॉइल को भी अच्छा और पौष्टिकता दे सकते हैं, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स बढ़ा सकते हैं उसका, और अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। यही हम अपने फील्ड में भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताएं, और लाइक व शेयर का बटन भी दबा दें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।